फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरोस किचन। आज हम बनाएंगे दही की सब्जी। कई बार हमारे घर में अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, ऐसे में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो ये सब्जी इतनी झटपट और टेस्टी बनने वाली है कि फटाफट से हम बना लेते हैं इसको। तो और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम कुछ बनाएं, तो उस टाइम पर भी ये झटपट बनने वाली और टेस्टी सब्जी है। तो चलिए आज हम बनाते हैं दही की सब्जी। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसको भुनने देंगे। जीरा भुन गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। गैस का फ्लेम मीडियम पर कर देंगे। अब हम 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। हल्का सा ब्राउन करेंगे हम प्याज को। प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें गैस का फ्लेम एकदम लो करके मसाले डालेंगे। सबसे पहले मसाले डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। मिक्स वेल। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए। और इनको अच्छे से सोटे करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, अच्छे से भून जाए और टमाटर सॉफ्ट होने देंगे। अभी हम टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें दही डालेंगे। इसमें 200 ग्राम दही डालेंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को तेज कर लेंगे। अब हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, फिर से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है। कसूरी मेथी को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी सब्जी तैयार है। इसमें काफी सारा हरा धनिया डालेंगे। लीजिए, अब हम अपनी सब्जी को सर्व कर लेते हैं। हरे धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं।
इस सब्जी को ट्राई जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।